बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में मिरर वर्क के दो तरीके बताए गए हैं। पहले तरीके में हम स्क्वायर मिरर लगाएंगे, मिरर रखते हुए लाइन लगाएंगे और लाइन लगाने के बाद मिरर को हम इसके ऑपोजिट रखेंगे, लाइन के ऑपोजिट रखेंगे। सबसे पहले हम पिंक कलर धागे से लाइन पर डिज़ाइनिंग करेंगे। जो लाइन हमने लगाई है, इस तरह से इसको बनाएंगे। लंबा टांका लगाते हुए एक कोने से दूसरे कोने पर ले जाएंगे। ऐसे ही इसको कंप्लीट करेंगे। इस तरह से कंप्लीट करने के बाद अब हम मिरर की साइड पर इस तरह से लंबा टांका लगाएंगे ग्रीन कलर थ्रेड से। ग्रीन थ्रेड से इस तरह से लंबा टांका लगाते हुए इसको कंप्लीट करेंगे। मिरर लगाने के बहुत सारे डिज़ाइन स्टाइल हैं, ये मुख्तलिफ डिज़ाइन में बनाए जाते हैं। मिरर हम बाज़ार से ले लेते हैं, आपको जिस तरह का भी चाहिए, आप स्क्वायर में लेना चाहें, राउंड में लेना चाहें, छोटा बड़ा साइज़ भी आपको मिल जाएगा। और इस तरह से देफर आप बना सकते हैं। मुकम्मल बनाने के बाद ये देखें, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइनिंग हो गई है। मुकम्मल बनाने के बाद ये देखें, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बन गया है। ऐसे ही हम राउंड में मिरर लगाएंगे। अब मैं आपको राउंड में मिरर लगाने का तरीका बताऊंगी। इस तरह से दरमियाने साइज़ का ये मिरर हमने लिया है और इसकी साइड पर हम पांच डॉट्स लगाएंगे, थोड़ा थोड़े से वक्फा देते हुए। वक्फा हम बराबर देंगे, इस तरह से डिस्टेंस बराबर रखेंगे। इस तरह डॉट्स लगाने के बाद इस पर लाइन लगा देंगे। इस तरह से तिरछी लाइनें लगाएंगे। इस लाइनों के ऊपर, लाइन के ऊपर हम यहाँ पर हमने डॉट्स लगाए हैं, इस तरह से टांका उठाएंगे। इस तरह से लंबा टांका उठाते हुए पूरे सर्कल को हम फिल करेंगे। एक डॉट से दूसरे डॉट्स पर इस तरह से ले जाएंगे। इस तरह बनाने के बाद अब हम दोबारा से ऐसे ही लंबा टांका लगाएंगे। तकरीबन पाँच से छः बार हम ऐसे ही टांका लगाएंगे और एक पनारी सी बन जाएगी। इस तरह से पाँच से छः टांके लगाने के बाद एक किनारी सी बन जाएगी। इससे पहले भी मैंने बहुत सी वीडियो मिरर वर्क के बारे में अपलोड की और डिफरेंट स्टाइल बताए हैं और बनाने का मुकम्मल तरीका बताया है। इसके अलावा नेक डिज़ाइन, स्लीव डिज़ाइन और पांचा डिज़ाइन बनाने की बहुत सारी वीडियो अपलोड की हैं। कंप्यूटर मशीन चलाने का तरीका बताया है और कंप्यूटर मशीन से बॉयज नेक डिज़ाइन बनाने का तरीका बताया है। कंप्यूटर मशीन कैसे चलती है और क्या क्या काम करती है, सारी वीडियो मैंने अपलोड की हुई है। इस तरह से साथ साथ टांके लगाते जाएंगे। टांका लगाते वक्त इसमें फुला नहीं देना, इस तरह से जोड़कर लगाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको आज की जो वीडियो बहुत ही पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। कमेंट करके बताना आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है और मज़ीद आप मेरे चैनल पर क्या देखना चाहते हैं। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हम कोशिश करते हैं कि अपने व्यूवर्स के लिए और भी न्यू डिज़ाइन की वीडियो अपलोड करते रहें। इस तरह से टांका लगाने के बाद इसको फिल करेंगे। इस तरह से साइड पर ये किनारी सी बन गई है।
ऐसे ही लंबा टांका लगाते हुए यहाँ से हमने स्टार्ट किया है, वहीं लाकर इसको खत्म करेंगे। मुकम्मल बनाने के बाद इस तरह से देखें, इस तरह से मुकम्मल बनाने के बाद अब हम हर नोक पर पत्तियां बनाएंगे, चैन टांके से पत्तियां बनाएंगे। इस तरह से कंप्लीट बनाने के बाद अब हम नोट पर हम चैन टांके से पत्तियाँ बनाएंगे। पत्ती का साइज़ हम बराबर रखेंगे। इस तरह से पहले दरमियान वाली पत्ती बनाएंगे, फिर एक साइड पर, फिर दूसरी साइड पर बनाएंगे। पूरे फ्लावर पर हम ऐसे ही ये पत्तियाँ सी बनाएंगे, तो बहुत ही खूबसूरत ये फ्लावर तैयार हो गया है। इस तरह से एक साइड पर बनाने के बाद दूसरी साइड पर बनाएंगे। पत्ती हम ज़्यादा बड़ी नहीं बनाएंगे, दरमियाने साइज़ की बनाएंगे। इस तरह से दूसरी साइड पर बनाएंगे। कंप्लीट बनाने के बाद ये बहुत ही खूबसूरत फ्लावर तैयार हो गया है।